नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में, और म्यूचुअल डिवोर्स को लेकर के आपने लॉज बहुत सारे सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से म्यूचुअल डिवोर्स को आसानी से किया जा सकता है, और क्या ये पॉसिबल है कि एक महीने में भी आप म्यूचुअल डिवोर्स कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल तरीके से कैसे हो सकता है, कोई ब्लफबाजी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि ये वीडियो का लाइक्स बढ़ जाए या वीडियो के व्यूज़ बढ़ जाए, इसलिए ये वीडियो नहीं है। आपको बिल्कुल सटीक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर म्यूचुअल डिवोर्स के लिए सोच रहे हैं तो आप कैसे जल्दी से म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है, इवन वन मंथ में कैसे हो सकता है। देखिए मैं आपको दिल्ली के प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा, और यही प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया में है, और दिल्ली में तो बहुत आसान है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले कपल हैं और आप अगर सोच रहे हैं कि आपको म्यूचुअली सेपरेट होना है तो आप आसानी से सेपरेट हो सकते हैं, अगर आपको म्यूचुअल ग्राउंड पे सेपरेट होना है तो। सबसे पहले अगर आपकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद से पति और पत्नी के बीच में विवाद है, तो विवाद को सेटल करने में दो इश्यूज इंपॉर्टेंट होता है। पहला कि अगर बच्चा है तो बच्चे के कस्टडी का क्या होगा, और दूसरा मेंटेनेंस, वाइफ और बच्चे के मेंटेनेंस का क्या होगा। अगर मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेटलमेंट हो जाता है और सेटलमेंट होने के बाद से वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद से वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। अब म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने के लिए वो किसी भी एक्ट में क्यों ना फाइल करें, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट में करें, स्पेशल मैरिज एक्ट में करें, या मुस्लिम या क्रिश्चियन किसी भी मैरिज एक्ट में क्यों ना करें, उसमें म्यूचुअल डिवोर्स लेने के लिए जो प्रोविजन है आमतौर से सबको मालूम है कि दो कूलिंग पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। दो कूलिंग पीरियड यानी कि जब आप म्यूचुअल डिवोर्स को फाइल करते हैं तो आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है, उसके बाद से दूसरा आप मोशन फाइल करेंगे, सेकेंड मोशन जिसको बोलते हैं, फर्स्ट मोशन के बाद सेकेंड मोशन जब आप फाइल करेंगे तो और एडिशनल 6 मंथ का समय मिलता है। यानी म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने के लिए 1 साल का तो समय आपको पहले मैंडेटरी वेट करना पड़ता है शादी के बाद से, और उसके बाद आप फाइल कर सकते हैं, जिसमें 2 मोशन आपके लगते हैं। ये पहले लॉ था, बाद में चेंज आया, और चेंज आकर के जिसमें हम हमेशा रूपाली गुप्ता और रजत गुप्ता केस को रेफरेंस करते हैं, इस केस में जो म्यूचुअल डिवोर्स है, म्यूचुअल डिवोर्स में जो सेकेंड मोशन है उसको वेव अप करने के लिए एप्लीकेशन लगाया जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कपल जो कि 1 साल उनके शादी को हो चुका है और शादी के बाद से 6 महीना और मान लीजिए 1.5 साल उन्होंने बिता लिया है, 1.5 साल के बाद अगर वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा रहे हैं तो वो फर्स्ट मोशन फाइल करेंगे। जैसे ही फर्स्ट मोशन कोर्ट में फाइल किया जाता है उसके बाद से उसके ऑर्डर की कॉपी, आपने फर्स्ट मोशन किया, फर्स्ट मोशन के प्रोसीजर में यही होता है कि आप दोनों के बीच में बच्चे को लेकर के अगर बच्चा है तो सेटलमेंट के पेपर्स बनने चाहिए, या कोई फिनेंशियल कोई भी ट्रांजेक्शन होना है तो उसके पेपर्स बनने चाहिए, और इसके बेसिस पे फर्स्ट मोशन कोर्ट में जाके आप करा लेंगे, और ये वहाँ होगा जहाँ आप रहते होंगे उससे कनेक्टेड कोर्ट में आपका ज्यूरिडिक्शन बनता है, चाहे लड़की के एरिया में या लड़के के एरिया में। एक ही एडवोकेट कर सकते हैं, दोनों लोग मिलकर के फर्स्ट मोशन के लिए जा सकते हैं। पहला चीज़ है कि सेटलमेंट होना चाहिए, सेटलमेंट 1 रुपया भी लेन देन करके हो सकता है, बिना पैसे के लेन देन के भी हो सकता है, आप कुछ भी सेटलमेंट कर सकते हैं, और उस सेटलमेंट के बाद से आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसकी कॉपी लगा सकते हैं। तो जिस दिन आपका फर्स्ट मोशन होगा उस दिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद से आपका काम हो जाएगा, फिर 1 हफ्ते के बाद आपको ऑर्डर की कॉपी आ जाती है, सर्टिफाइड अप्लाई कर सकते हैं, और आपको मान के चलिए कि आपको ये पूरा प्रोसीजर 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मोशन हो गया ये, लेकिन आप फाइल कब करेंगे, अगर आपने ये फाइल 1.5 साल के बाद किया है तब का सिचुएशन बता रहा हूं मैं। तो आपका फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट मोशन कंप्लीट होने के बाद से जो आता है सेकेंड मोशन की बारी आती है। अब सेकेंड मोशन फाइल करने के लिए आपको रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता का एक एफिडेविट बनता है, उस एफिडेविट को 6 मंथ का वेव ऑफ करने के लिए आपको वेवर एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। इस एप्लीकेशन को लगा करके आप सेकेंड मोशन के लिए फाइल करेंगे। अगर आपने 1 साल शादी तक जो सेपरेशन पीरियड होता है, 1 साल शादी होने से 1 साल तक आप सेपरेट रहे हैं, ये प्रूफ कर देते हैं कोर्ट में, कोर्ट में आपको स्टेटमेंट देना रहता है कि आप दोनों सेपरेट रह रहे थे 1 साल से,
और उसके बाद से 6 महीना और आप लोगों ने एडजस्टमेंट में कोशिश किया, यानी कुल मिला के 1.5 साल तक आप लोग की शादी की टाइमिंग हो चुकी है, शादी का टेन्योर हो चुका है, तो आप सेकेंड मोशन को वेव अप का एप्लीकेशन लगा सकते हैं सेकेंड मोशन के साथ में। जब ये वेव अप का एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसके बाद से सेकेंड मोशन का भी उसी तरीके से आपका स्टेटमेंट हो जाएगा कोर्ट के अंदर। स्टेटमेंट में अगर कोई भी लेन देन होगा या कोई भी सेटलमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी डिस्प्यूट होगा जिसमें पैसे देने या लेने होंगे, वो सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बाद से फिर सेकेंड मोशन के बाद से फाइनल डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है। तो इस तरीके से ये सेकेंड मोशन के बाद जो सर्टिफाइड कॉपी आपको डिवोर्स का मिलेगा वो 15 दिन के बाद अप्लाई करेंगे और आपको डिवोर्स की कॉपी मिल जाएगी। अब ये आपको हो गया म्यूचुअल डिवोर्स से लेने का तरीका, जो मैंने बताया कि 1 महीने मिल जाए, यानी फर्स्ट मोशन सेकेंड मोशन का टाइमिंग बता दिया। अब आता है एक क्वेश्चन, जैसे शादी हो गई, शादी होने के बाद से 1 साल के अंदर क्या म्यूचुअल डिवोर्स को फाइल किया जा सकता है? नहीं फाइल किया जा सकता। शादी होने के बाद 1 साल के जस्ट बाद फाइल किया जा सकता है? फाइल किया जा सकता है, बिल्कुल फाइल किया जा सकता है। मान लीजिए 1 साल पूरा हो गया और फिर आपने फाइल किया है तो आपको 6 महीना आपको कूलिंग पीरियड आपको वेट करना पड़ेगा, और 6 महीना कूलिंग पीरियड वेट करने के बाद आप सेकेंड मोशन के वेबर के एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने एक कूलिंग पीरियड बिता लिया है 6 महीने का, 1 साल होने के बाद से 6 महीने का बिता लिया है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट मोशन के बाद से सीधे सीधे सेकेंड मोशन को फाइल कर सकते हैं और उसमें आपका म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा। दिल्ली में अगर आप रहते हैं और आपको म्यूचुअल डिवोर्स लेना है और इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानना है तो हमारे लॉ फर्म में अगर कपल है तो कपल की काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग करने के बाद से हम कोशिश करते हैं कि म्यूचुअली आपका डिवोर्स हो जाए। अगर आप डिवोर्स लेने के लिए दोनों लोग इच्छुक हैं, उनको लॉ पॉइंट से समझाया जाता है कि आप अगर डिवोर्स फाइल करते हैं या कुछ भी अगर आपका प्रोस्पेक्टिव होता है तो क्या दिक्कत हो सकती है, या आपकी सेटलमेंट हो जाए और आप दोनों फिर से घर बसा लें। उस काउंसलिंग के बाद से अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपको डिवोर्स लेना ही लेना है तो म्यूचुअल डिवोर्स कराया जाता है। और इसके लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी तरह से गाइड करेगी और गाइड करने के बाद से आपको पूरी सहायता की जाएगी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल भी कर सकते हैं 9:00 बजे से लेकर 8:00 बजे तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।